प्रजाधामन में किशनगंज में बनाएंगे MIM का विधायक। अच्छा। और स्टेट में बनाएंगे RJD का सरकार। लोकसभा में 2025 में 24 में MIM का MP बनाएंगे हम लोग किशनगंज में। बोले कि अभी जो है सरकार जो है बदलने का चांस है, क्या सरकार कौन सरकार पसंद है आपको? RJD का सरकार। अच्छा, तो इस बार क्या RJD को फिर कोचा धामन में लालटेन जलाएंगे आप लोग? लेकिन स्टेट में तो बनाएंगे RJD का ही सरकार, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक हैं RJD का विधायक नहीं बनेंगे, किसी और का विधायक बनाएंगे। कोचा धामन में किशनगंज में बनाएंगे MIM का विधायक। अच्छा। और स्टेट में बनाएंगे RJD का सरकार। नीतीश कुमार क्यों नहीं पसंद है आपको? वो BJP के साथ गठबंधन है ना। हाँ। जब तक वो BJP के साथ गठबंधन रहेगा ना, तब तक उसको वोट नहीं करेगा कोई। टूट जाता है BJP जो उसके साथ जो BJP है वो धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा। और जो धर्म की राजनीति करते हैं उसको हम लोग पसंद नहीं करते। जब तक यदि अलग था तो वो उसको पसंद करता था, हर कोई पसंद करता। जब तक वो BJP के साथ गया तो उसका वोट प्रतिशत बहुत नीचे चला गया है। अच्छा। अभी भी वो BJP से अलग हो जाए सब लोग पसंद करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो यहाँ तो पतंग का डोर टूट गया है, तो फिर पतंग को डोर कैसे टूटा है? टहनी टूटा है जड़, तो अभी हमारे पास है ना। डोर कैसे टूटा है? डोर नहीं टूटा है। लोग तो बोलता है कि और अवेसी को वोट नहीं होगा। जो चार विधायक था चला गया, तो वो 20 साल का विधायक थोड़ा था। अच्छा। यांजार ने भी पहली बार बना और ये इजारस भी पहली बार बना और लुकमोद्दीन भी पहली बार बना, तो डोर कैसे टूटा? कौन सा 20 साल का विधायक है जो डोर टूट गया? फिर कोई उम्मीदवार लेके आएगा MIM का, वो जीत जाएगा। डोर नहीं टूटा है अभी, जड़ हमारे पास है, टहनी टूटा है। जड़ जब तक रहेगा टहनी को कुछ नहीं होगा, फिर उगेगा उसमें। क्यों इतना दीवानगी है आखिर MIM को लेकर? है हक की बात करते हैं, हुक की बात करते हैं, पिछड़ेपन की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, अवैसे सब फिर तो उसको पसंद करते हैं। सरकार तो नहीं है बनता है, नहीं बनता तो क्या होगा? सरकार बनने से क्या होगा? अगर हमारे अगर प्रखंड में कोई सही विधायक रहेगा तो हर चीज अच्छा होगा उसमें। यानी कि सरकार में नहीं भी रहेगा तो होगा, फिर भी अच्छा होगा। लोकसभा में क्या है यहाँ पर चर्चा? लोकसभा में 2025 में 24 में MIM का MP बनाएंगे हम लोग किशनगंज में। लोग बोल रहा है इसका पतंग का वाला डोर टूट गया है और आप कैसे MP बना रहे? जो कहता है कि MIM का पता डोर टूट गया, उसको जानकारी ही नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। जानकारी हमसे ले। वोटर अभी जर अभी मेरे पास है, जिसका MIM का जर है अख्तर ईमान, वो अभी है, वो गया नहीं है, तो वो हुआ जर। और जो चार विधायक खिला गया वो था टहनी, तो टहनी अगर टूट भी जाए, गिर भी जाए हवा लग करके, तो जर मजबूत रहेगा, तो फिर उसमें फल उगेगा, फिर उसमें टहनी उगेगा। क्या नाम है आपका? बाबूलाल अमी।